अभिषेक मनु सिंघवी के जो वकील हैं अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने जस्टिस खन्ना की अदालत के अंदर इस मामले को उठाया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जस्टिस खन्ना की बेंच में मामले को लेकर गए हैं अभिषेक मनु सिंघवी। इससे पहले उन्होंने चीफ जस्टिस की अदालत के अंदर इस मामले को उठाया था, उनसे अर्जेंट सुनवाई का आग्रह किया था। ऐसे में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से सलाह दी गई थी अभिषेक मनु सिंघवी को, जो कि वरिष्ठ वकील भी हैं और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। वरिष्ठ वकील और अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने जब इस मामले को उठाया, तब उन्हें सलाह दी गई थी कि जस्टिस खन्ना की अदालत में जाएं। जस्टिस खन्ना की अदालत के अंदर पहुंच चुके हैं अभिषेक मनु सिंघवी, इस मामले को इस समय उठा रहे हैं और साथ ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सड़कों के ऊपर विरोध प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो नजर आ रहे हैं और इस समय काफी हलचल, काफी सरगर्मी देखने को मिल रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर। अर्जी पर बोले सुप्रीम कोर्ट, मामला 3 जज की बेंच के लायक है ये कहा गया है। अभी बेंच में 2 जज हैं, जस्टिस खन्ना की तरफ से ये कहा गया है और इस मामले को 3 जजेस की बेंच के सामने रखा जाएगा। इस बेंच के उठने के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। तो अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर सुनवाई का जो पूरा मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से इस पक्ष को रखा गया और कहा गया अदालत की तरफ से, जस्टिस खन्ना की तरफ से, कि फिलहाल बेंच में 2 ही जजेस हैं। ऐसे में इस मामले को 3 जजेस की बेंच सुनेगी और ऐसे में इस बेंच के उठने के बाद जब अगली 3 जजेस की बेंच आएगी तो मामले को सुनेगी। एक बार फिर रुक करते हैं, मेरे सहयोगी बलराम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। बलराम जरा बताइएगा अदालत के अंदर जो हलचल चल रही है इस समय, अब 3 जजेस की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं सिंघवी, उन्होंने जस्टिस खन्ना की बेंच के सामने ये प्रस्ताव रखा कि इस मामले की सुनवाई आज ही की जाए। तो उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि जब 2 जजों की बेंच ये उठेगी उसके बाद 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी और उम्मीद जताई जा रही है आज ही इस मामले की सुनवाई होगी। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगा तो किस तरीके की दलीलें सिंघवी की तरफ से रखी जाती हैं, क्योंकि सिंघवी अरविंद केजरीवाल के वकील हैं और लगातार इस कथित शराब घोटाले में वो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आए हैं। वो इस पूरे मामले से अवगत हैं और यही वजह है कि उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखा और जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है उसको चुनौती दी है। हालांकि अब ये स्पष्ट हो गया है कि 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलती है या नहीं। और जिस तरीके से ईडी ने कहा है कि लंच के बाद वो उन्हें पीएमएलए कोर्ट में लेकर के जाएंगे, वहां पर पेश करेंगे और उसके बाद रिमांड की मांग करेंगे। अगर रिमांड मिलता है तो किस तरीके से पूछताछ होती है, के कविता ने जो बयान दिया है उसके आधार पर किस तरीके के सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने रखे जाते हैं, जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बना और उसके बाद उसने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि हमने संजय सिंह के द्वारा, मामला जो है इस समय अब अदालत के पास में है और देश की सर्वोच्च अदालत से लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।